हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने जा रही हूं। और हमारे कनेक्टिव है नंबर वन एंड और नंबर टू और। एंड का सिंबॉलिक फॉर्म है उल्टा वी। ये जो उल्टा वी का सिंबल है ये हम एंड के लिए यूज करेंगे। और का सिंबॉलिक फॉर्म है ये जो सीधा वी का जो साइन है ये हम और के लिए यूज करेंगे। नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड का नेम है कंजक्शन और का कंपाउंड स्टेटमेंट का नेम है डिसजंक्शन। अदर वर्ड सच एज बट, एट, दो, स्टील आर ऑल्सो यूज फॉर कंजक्शन। ये वर्ड हम कंजक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल में भी इसका यूज हो सकता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। हमें ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसे सिम्बॉलिक फॉर्म में अरेन्ज करना है, उसे सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। नंबर वन, मैंगो इज ए फ्रूट बट पोटैटो इज ए वेजिटेबल। सोल्यूशन, लेट हम पहले पी और क्यू कंसिडर करेंगे। पी का मतलब फर्स्ट सेंटेंस, मैंगो इज ए फ्रूट और क्यू का मतलब है पोटैटो इज ए वेजिटेबल। पोटैटो इज ए वेजिटेबल। अब ये पी और क्यू कंसिडर होने के बाद में हम इसका सिम्बॉलिक फॉर्म लेंगे। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहले हम पी और क्यू कंसिडर कर लेंगे। पी और क्यू कंसिडर होने के बाद में ये दो सेंटेंस बट से ज्वाइंट हुए हैं, दो सेंटेंस को हमने बट से जोड़ा है, तो बट का साइन हमारा है उल्टा वी। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड एग्जांपल है मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। फिर से हम इसको पी और क्यू कंसिडर करेंगे। लेट पी का मतलब है हमारा पी, पहले वाले को पी कंसिडर करेंगे। पी मिल्क इज वाइट, पहले को हमने पी कंसिडर किया और दूसरे को हम क्यू कंसिडर करेंगे। ग्रास इज ग्रीन। फिर हम लिखेंगे देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू कंसिडर करने के बाद में ये दो सेंटेंस और से ज्वाइंट हुए हैं और का हमारा सिंबल है सीधा वी। ओके, थैंक यू।